राहुल की यात्रा यूपी पहुंचने से पहले गठबंधन में फैला रहा था। यूपी में दल बदल का दौर जारी, नाराज नेता खिसकने की कर रहे हैं तैयारी। चुनाव से पहले स्वामी ने सपा महासचिव पद से दिया इस्तीफा। दरअसल हम आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश लोकसभा की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य की राजनीति नाव को भंवर में डाल दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बदायूं से अखिलेश यादव ने सपा से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। बदायूं से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य बीजेपी से सांसद है। इसी बात से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से नाराज चल रहे थे। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्र मौर्य के लिए सपा से टिकट मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने संघमित्र मौर्य को टिकट न देकर भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी संघमित्र मौर्य को टिकट नहीं देगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य बीजेपी से ही सांसद है। संघमित्र मौर्य 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट से पहली बार सांसद बनी थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 2022 के चुनाव में अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। बीजेपी के खिलाफ खुशीनगर से चुनाव लड़े थे। अब बड़ी बात ये रही कि संघमित्र मौर्य ने अपने पिता के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सांसद संघमित्र मौर्य ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। इस बात से बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने संघमित्र मौर्य को पार्टी से निकलने की बात तक करने लगे थे, लेकिन इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में जाने की अटकलें तेज सी होती दिखाई दे रही है।